नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक विषय लेने वाले हैं और यह विषय हमारे जहन में कई बार आया होगा कि साक्षियों से न्यायालय में शपथ क्यों दिलवाई जाती है। सो व्हाई ओथ ऑफ विटनेस टेकन इन दी कोर्ट। तो न्यायालय में जब भी कोई गवाह या कोई साक्षी जब गवाह देने जाता है या गवाही देने जाता है तो न्यायालय में उससे शपथ क्यों दिलवाई जाती है, इसका क्या कारण है। तो न्यायालय में गवाह से शपथ क्यों ली जाती है, टुडेज टॉपिक इज दैट। इसको आज हम कवर करते हैं। हम सभी को पता है कि गवाह कौन होता है। एक विटनेस वो व्यक्ति होता है जो न्यायालय को मदद करता है टू फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, किसी केस को डिसाइड करने में, किसी केस को पता लगाने में या किसी केस के डिसीजन अथवा जजमेंट में गवाहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गवाहों के माध्यम से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अर्थात जो न्यायाधीश है वो सच तक पहुंचता है और उसका केस को सॉल्व करता है। अभी जो गवाह होते हैं द विटनेस हु असिस्ट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, विटनेस वो होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में मदद करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में सहायता पहुंचाते हैं एंड टू डिलीवर जस्टिस। और न्याय तक पहुंचने में या जजमेंट तक पहुंचने में गवाहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कई बार टॉट विटनेस भी आते हैं, कई बार सिखाए पढ़ाए हुए भी विटनेस भी आते हैं। अभी सिखाए पढ़ाए विटनेस वो होते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनका झूठ बाहर आ जाता है। तो ऐसे कौन से विटनेसेस होते हैं जो कई बार सिखाए पढ़ाए हुए होते हैं, तो इसीलिए कई बार गवाह झूठे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे ओथ यानी शपथ दिलवाई जाती है। प्राचीन समय में तो ऐसा कहा जाता था कि व्यक्ति न्यायालय में या महाराज के सामने झूठ नहीं बोलता था और अग्नि परीक्षा होती थी, अगर झूठ बोलता था तो अग्नि उसे जला देती थी। मुगल काल में आते आते रिलीजियस बुक पे यानी किसी धार्मिक ग्रंथ पे, यदि हिंदू है तो गीता रामायण पर पुटिंग ओवर हैंड ओवर दी रिलीजियस बुक यानी किसी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखवा के शपथ दिलवाई जाती थी। और मुस्लिम होता था तो उसे कुरान पर, क्रिश्चियन होता तो उसे बाइबल पर। तो इस प्रकार पुटिंग हैंड ऑन दी रिलीजियस बुक, इस प्रकार से शपथ दिलवाकर उसे गवाही ली जाती थी। क्या आज भी हम मूवीज में देखते हैं, मूवीज में ऐसे कई बार हमको सीन देखने को मिलते हैं कि किसी गवाह को रिलीजियस बुक पे हाथ रखवा के उससे गवाही ली जा रही। क्या वाकई में ऐसा न्यायालय में होता है? यदि आप न्यायालय में जाकर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था, ब्रिटिशर्स ने द ओथ एक्ट 1906, अभी वर्तमान में जो एक्ट चल रहा है वो द ओथ एक्ट 1906 ने, और उसके पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ओथ एक्ट 1873, 1873 में ब्रिटिशर्स ने एक ओथ एक्ट यानी शपथ अधिनियम बनाया। और ये शपथ इसलिए दिलवाई जाती है ताकि जस्टिस एंड इनजस्टिस यानी न्याय और अन्याय की पहचान हो सके, केस में प्रत्येक वाद में न्याय है, न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जा सके। तो व्यक्ति को ट्रुथ यानी सच बोलना, यूं तो कोई सच बोलना ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है कि सच बोलना ही चाहिए, लेकिन अगर आप ये चीज कोर्ट में बोल रहे हैं या किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बोल रहे हैं तो आईपीसी जो हमारे देश का दांडिक कानून है, आईपीसी की धारा 191 में क्लियर कहा गया है कि यू मस्ट मेक द ट्रुथ स्टेटमेंट नॉट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो आईपीसी की धारा 191 में झूठी गवाही देना, झूठे कथन करना यह एक अपराध बताया गया है। यदि आप शपथ पर झूठी गवाही देते हैं तो यह एक अपराध होगा और जुडिशियल प्रोसेस में अगर आपने इस प्रकार से कृत्य किया तो 7 वर्ष का कारावास होगा। अन्य जगहों पर अगर हम ऐसे झूठे गवाही देंगे जैसे पब्लिक ऑफिसर्स के समय, नगर निगम के सामने, तो यहां पर 3 वर्ष का कारावास होता है, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में 7 साल की कारावास की बात की गई है। पहले रिलीजियस फेथ बहुत हुआ करता था। आप सभी को पता है कि पहले धार्मिक मान्यताएं बहुत होती थी, ईश्वर में आस्था बहुत होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि धीरे धीरे ईश्वर में आस्था लोगों की घट गई है। आजकल ईश्वर के नाम पर भी झूठ बोल दिया जाता है, ईश्वर की कसम खा के भी झूठ बोल दिया जाता है। तो रिलीजियस फेथ कम होने से ब्रिटिशर्स ने इंडियन ऑथ एक्ट 1873 बना दिया था और तब से ये पुस्तकों पर हाथ रखकर गवाही देने वाली जो प्रथा थी इसका अंत हुआ। अब गवाह दो तरीके से न्यायालय में अपने कथन देता है, एक तो कटघरे में आके स्टेटमेंट ऑन ऑथ यानी जो कटघरा होता है उस कटघरे पे शपथ ओथ पे अपने कथन बोलता है, या नहीं तो कई बार उससे एफिडेविट, न्यायालय कई बार शपथ पत्र भी दिलवाती है। तो इस दो तरीके से व्यक्ति स्टेटमेंट देता है न्यायालय में, तो गवाह दो तरीके से प्रस्तुत करता है। और धारा 8 जो नया एक्ट बन चुका है, ओथ अधिनियम, शपथ अधिनियम 1969 की धारा 8 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति बाउंड टू स्पीक ट्रुथ यानी प्रत्येक व्यक्ति को सच ही बोलना है। अगर न्यायालय को पता चला कि आपने झूठ बोला है अथवा सत्य को छुपाया है तो ऐसी कंडीशन में
धारा का वायलेशन होगा और 191-192 जो आईपीसी की धारा है 7 साल की सजा वाली वो लागू हो जाती है। तो आईपीसी का चैप्टर नंबर 11 में ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक जस्टिस बताया गया है। तो हमारी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक जस्टिस, जैसे हम कहते हैं लोक न्याय को प्रभावित करने वाले अपराध, अभी लोक न्याय मतलब जनता का जो न्याय है, लोक न्याय को प्रभावित करने वाले अपराधों के अंतर्गत 191 ये कहता है कि द पर्सन हु इज मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, जो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है न्यायालय को, वो एक अपराध होगा। और 192 ये कह रहा है फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस, और फैब्रिकेटिंग का मतलब है कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, बोल नहीं रहा है लेकिन गढ़ रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के घर पे अफीम रखवा दी या शराब की पेटियां रखवा दी और पुलिस ने उस पर छापा मार दिया, तो ये शराब की पेटियां रखवाना एक ऐसी परिस्थितियों को लाना कि व्यक्ति मतलब न्यायालय जो पुलिस अधिकारी है वो ये समझे कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो ऐसी परिस्थितियों को लाना, असत्य परिस्थितियों को लाना, इसको मिथ्या साक्ष्य गढ़ना बोलते हैं। इन दोनों की सजा 193 आईपीसी में दी गई है, 7 साल और 3 साल, दो प्रकार की सजाएं दे रखी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में 7 साल की सजा, अन्य प्रोसीडिंग्स में 3 साल की सजा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझे कि विटनेस से शपथ पर गवाही क्यों ली जाती है।